नमस्कार मेरे भाई, हम हैं संतोष यादव। अगर आपको चेस्ट फाइट की प्रॉब्लम है तो वीडियो भैया आप के लिए है। चेस्ट फाइट का होता है? चेस्ट फाइट ये होता है कि आपके सीने में बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ गई है, आप अनफिट हो गए हो और आपको कपड़े उतारने में शर्म आती है, आपके बॉडी का लुक बहुत भद्दा टाइप लगता है। ये तो बहुत छोटी चीज है वे। इसके अलावा आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ स्टेमिना डे बाई डे कम होने लगेगी, आप डे बाई डे और अनफिट होने लगोगे। तो चेस्ट फाइट को कम करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, कुछ ऐसा ड्रामेबाजी होती है जो आपको फॉलो करना होता है। अगर आप फॉलो करेंगे आसानी से, बहुत ही आसानी से अपने चेस्ट के फैट को उसे कम करके पवार सकते हैं, अपने आप को फिट बना सकते हैं, अपने चेस्ट को शेप में ला सकते हैं, पूरी ओवरऑल बॉडी का लुक बदल सकते हैं और बवाल मचा सकते हैं। लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। पहला टिप्स है जिसके बिना आप चेस्ट फैट कम नहीं कर सकते। करेक्ट योर डाइट, मतलब अपने डाइट को, खान पान को सही रखना है। खान पान एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी को सही कर सकता है और खान पान एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी को भद्दा और बेकार टाइप कह सकता है। आपको देखना है कि अपने डाइट में का ऐसा चीज ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में चर्बी बढ़ रही है, हमारे चेस्ट में चर्बी बढ़ रही है, हमारे बॉडी का शेप खराब हो। तो क्या करना है पता है? तुरंत बैठ जाओ, पेन और पेपर लेके और दिन भर का तुम खाए रहो सब लिख लो। क्या क्या अच्छी चीज खा रहे हो, क्या क्या कचरा वाली चीज खा रहे हो, क्या आप दिन भर में कोई फास्ट फूड खा रहे हो, क्या दिन भर में कोई कचरा वाली चीज खा रहे हो, कितनी बार आप बर्गर खा रहे हो, कितनी बार आप शुगर वाली चीज खा रहे हो, कितनी बार आप मैदा वाली चीज खा रहे हो, कितनी बार ऐसी चीज खा रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल डला हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा भर भर के केमिकल डला हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा भर भर के जहर डला हुआ है। उसको लिखे ना और उसको कट कर दो अपने डाइट से। जब आप फास्ट फूड, जब आप ऑयली चीज, जब आप बहुत ज्यादा चीनी वाली चीज, जब आप बहुत ज्यादा मैदे वाली चीज अपने डाइट से निकाल दोगे तो क्या होगा पता है? फालतू जो कैलोरीज है आपके बॉडी में, कैलोरीज भरी हुई है जो जाके क्या करती है पता है? आपका चेस्ट फैट बढ़ाती है, आपके बॉडी में फैट बढ़ाती है, आपको अनफिट बना देती है। जब लात मार के उस चीज को आप बाहर निकाल दोगे तो बहुत सारी आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी। जो बहुत सारी कैलोरीज कम हो जाएगी तो क्या होगा पता है? डे बाय डे आप देखेंगे आपके बॉडी से फैट कम होने लगेगी। जो हमारी कैलोरीज पहले के सरप्लस में थी उसे हम डाउन करें, कैलोरीज जब आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपके चेस्ट का फैट जो है कम होने लगा। तो आपने ही देखा कि दिन भर में हम जो अंडे बंड खा रहे थे उसको निकाल दिए, उसके स्थान कुछ अच्छी चीजें डाल दो, फल वगैरह डाल दो, सलाद वगैरह डाल दो, प्रोटीन में क्या डाल दो, चना डाल दो, दूध डाल दो, दही डाल दो, दलिया डाल दो, पनीर डाल दो, कुछ प्रोटीन वाली चीजें हम लोग ऐड कर दिए। फास्ट फूड कचरे वाली चीज निकाल के लात मार के उसे जब डाइट से बाहर निकाले उसके स्थान हम लोग कुछ प्रोटीन वाली चीजें ऐड कर दिए, कुछ सलाद वाली चीजें ऐड कर दिए, कुछ फल फ्रूट वाली चीजें ऐड कर दिए और ये होगी हमारी डाइट। जब हम डाइट को करेक्ट कर देंगे तो सबसे पहला चीज, सबसे मेन चीज हमारा सही हो जाएगा जो हमारा चेस्ट फैट ऑटोमेटिक कम करने लगे। भैया दूसरी की चीज जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सिनेमा चर्बी कम करने में, डू द वेरिएशन ऑफ पुशअप। मतलब कई प्रकार के हमको पुशअप्स करना पड़ेगा। पुशअप में काहे बोल रहा हूँ भैया? पुशअप से क्या होगा? पुशअप पता है ऑलराउंडर चीज है। पुशअप एक तरीके की एक्सरसाइज है, एक तरीके कंपाउंड मूवमेंट है, एक तरीके कार्डियो है, हर एक चीज में काम करता है। तो जो चीज हर चीज में काम करे ना उसे बिना सोचे अपने रूटीन में डाल, तो हर एक प्रकार का पुशअप सीखना पड़ेगा, चाहे वो नॉर्मल पुशअप हो, चाहे वो क्लैब पुशअप हो, चाहे वो एक्सप्लोसिव पुशअप हो। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो 4 से 5 प्रकार की पुशअप जो है प्रैक्टिस करना चालू कर दो। जब पुशअप की प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे आपका जो नेचुरली है बॉडी की पावर बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगी। जब पावर बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपका चेस्ट का फैट कम होता है, क्योंकि जिस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा फैट है उसके अंदर स्टेमिना नहीं होती है, उसके अंदर उतनी ज्यादा पावर नहीं होती, ओकरे अंदर उतनी ज्यादा फुर्ती नहीं होती है। उसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा वेरिएशन में पुशअप करेंगे ना, एक तरीके कार्डियो हो जाएगा, हमारा फैट भी बर्न करेगा और हमारे चेस्टवा का लुक भी अच्छा करेगा, सीने पे भी काम करेगा, सीने के जो मसल है उसे बहुत ज्यादा मजबूत बनाने में भी काम करेगा। तीसरे नंबर चीज जो कि बहुत ही जरूरी है, आपके चेस्ट फैट को हटा के आपके चेस्ट में मसल डाल देगा, पूरे बॉडी में मसल डाल देगा। या तो आप जिम जाइए या तो अपने घर में व्यवस्था कर लो, जहां से व्यवस्था करना हो कर लो, लेकिन आपको वजन उठाना होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें मेन फोकस करना है कंपाउंड मूवमेंट्स पे। ऐसी चीज जिससे बहुत ज्यादा फायदा होता है उसमें पहले नंबर पर आता है हमारा भैया बेंच प्रेस। बेंच प्रेस को कभी मिस नहीं करना, बेंच प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट है, हमारे चेस्ट शोल्डर ओवरऑल बॉडी को काम में लेता है, तो बेंच प्रेस आप करना है। दूसरी की चीज आपको डेडलिफ्ट पे ध्यान देना है। डेडलिफ्ट मतलब आपको ऐसे करके जो किया जाता है, बहुत ज्यादा वेट का इस्तेमाल किया जाता है। डेडलिफ्ट पूरे बॉडी की जान तो निकालता है, उसके साथ साथ जो है हमारे बैक पे, हमारे चेस्ट, हमारे शोल्डर पे, बॉडी के हर एक रग पे डेडलिफ्ट का काम करता है। कंपाउंड मूवमेंट में डेडलिफ्ट को मिस मत करना। तीसरी की चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी को शेप में लाने, हमारे बॉडी का फैट कम करने, सबसे जरूरी चीज इस चेस्ट का फैट कम करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि नेचुरली जो है हमारे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है और हमारा चेस्ट फैट इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारा टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल जो है बढ़ जाता है। सबसे मेन एक्सरसाइज क्योंकि बहुत लोग मिस कर रहे हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेग वर्कआउट के लिए आपको स्क्वाट करना पड़ेगा। वेटेड स्क्वाट जो है कनवा पैसे बिटवा रखते हैं रडिया से, ऐसे रख के नीचे उठते बैठते हैं, नीचे उठते बैठते हैं, ये आपको कभी मिस नहीं करना। हफ्ते में 1 से 2 दिन आपको स्क्वाट परफॉर्म करना, इससे
क्या होगा पता है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी और हमारा फैट भी कहीं ना कहीं कम करता है, क्योंकि जब आप स्क्वाट करते हैं बहुत ज्यादा कैलरीज आपकी बर्न होती है, जब कैलरीज बर्न होगी पूरे बॉडी से फैट जाएगा, जब पूरे बॉडी से फैट जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके चेस्ट का फैट भी कम होगा। अगर आपको जल्दी फैट लॉस करना है, जल्दी आपके सीने की चर्बी कम करना है, उसके लिए आपको एक चीज तो करना ही पड़ेगा जिसका नाम है भैया कार्डियो। कार्डियो सबका बाप है, रिजल्ट बहुत तेज देता है, अपने बॉडी को फिट बनाने में, फैट कम करने में कार्डियो आपको करना ही पड़ेगा। तो कार्डियो को बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे अवतार होते हैं। सबसे पहली चीज जो दुनिया जानती है, दुनिया के दिमाग में भरा हुआ है, वो क्या है पता है, रनिंग। दौड़ना चालू कर दो, 20 मिनट या तो दौड़ लो, 20 मिनट या तो टहल लो। 20 मिनट अगर आप दौड़ नहीं सकते, टहल नहीं सकते तो क्या कर सकते हो पता है, रस्सी जानते हो, जान रस्सी अलग कूदते हैं, अलग मजा लेते हैं, मजा मत लो, 20 मिनट रस्सी ले कूद सकते, ये भी बहुत अच्छा तरीका है कार्डियो करने का। अगर आप रस्सी नहीं कूद सकते, जंपिंग वगैरह कर लो, जंपिंग जैक्स वगैरह कर लो, बहुत प्रकार की जंपिंग एक्सरसाइजेज होती है, वो कर सकते हो, जिससे क्या होगा पता है, कार्डियो का रूप हो जाता है। और आपको 20 मिनट कार्डियो तो करना ही पड़ेगा, या तो कार्डियो आप डेली कर लो, या तो हफ्ते में 3 दिन तो आपको कार्डियो करना ही पड़ेगा 20 मिनट के लिए। वर्कआउट के पहले कर सकते हो, वर्कआउट के बाद भी कर सकते हो, अगर आप पहले नहीं कर सकते बाद में नहीं कर सकते, सुबह दोपहर शाम कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप कार्डियो करो। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट जो करता है, फायदेमंद जो होता है, हमने खुद देखा था बे, खाली पेट कार्डियो करना, मतलब सुबह उठे, गए हगे मुते, पेट एकदम खाली होगा, फिर कार्डियो करना चालू कर दिए। उसका सबसे अच्छा तरीका है ग्राउंड में जाकर रनिंग कर लिए, वॉकिंग कर लिए, जंपिंग कर लिए, रस्सी ले गया वहां पे कूद लिए, तो खाली पेट अगर कार्डियो करोगे बहुत तेज रिजल्ट देता है। अगर खाली पेट नहीं कर सकते, तुम आलसी टाइप हो, तो सुबह दोपहर संझा कार्डियो करो। लास्ट चीज के बारे में बात करने वाला है, ये चीज आप कभी मिस मत करना भैया, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आपके सीने की चर्बी हो, चाहे जहां की चर्बी हो, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, मतलब दवाए खूब पानी पियो। खूब पानी पीने का मतलब ये है कि जब आप खूब दवाए पानी पियोगे, इसके चक्कर में आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे, आड़ा बाड़ा चीज नहीं पियोगे, और पानी में जो होता है कैलरीज कुछ नहीं होती है, लेकिन हमारे पेट को भरने में और हमारा बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में, और हमारी 70% बॉडी किससे बनी है, पानी से बनी, हम 200 बार बता चुके हैं, तो पानी कमी होनी नहीं चाहिए। अपने बॉडी में पानी से भर दो, जितना पानी पियोगे उतना ज्यादा हमारा बेनिफिट करेगा, फैट लॉस करने में पानी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग करो हमारे भाई, स्ट्रेचिंग 5 से 10 मिनट। स्ट्रेचिंग से क्या होता है पता है, हमारी स्किन क्वालिटी अच्छी होती है, हमारी मसल क्वालिटी अच्छी होती है, हमारे पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं अच्छाई भरता है, जो चीज अच्छाई भरता है उसे हम लोग काहे नहीं करते हैं। स्ट्रेचिंग एक तरीके की बहुत ही जबरदस्त चीज होती है, आप करोगे आपको मजा आ जाएगा, माइंड के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके हर एक ऊर्जे पुर्जे के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जबरदस्त होती है। और स्ट्रेचिंग करने से एक फायदा ही होता है, कभी कभी जो फैट लॉस होता है तो हमारी जो स्किन होती है लटक जाती है, लूज हो जाती है। अगर आप डेली स्ट्रेचिंग करते रहोगे, जब आप फैट लॉस करोगे, आपकी सीने की चर्बी कम होगी, आपके पेट की चर्बी कम होगी, तो कभी भी आप देखोगे ना, आपका चमड़ा जो है, स्किन है, वो लटकेगा नहीं, भद्दा नहीं लगेगा, कहा भी ना पता है तुम स्ट्रेचिंग कर रहे। अगली टिप ये भैया, अगर आपने देसी जिम फिटनेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, वहां पे लाल रंग का बटन दिखाओ, लाल रंग का साला हटा दिया लगता है YouTube ने, तो सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक करो और घंटा बंटा बजाए दो, इससे भी आपकी सीने की चर्बी कम होती है। तो भैया इतनी चीजें थी जो हमने बताई, अगर आप फॉलो करोगे ऑटोमेटिक आप देखोगे आपका चेस्ट का फैट जो है कम हो जाएगा, आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी। ये बात तो सही है, जब चेस्ट का फैट बढ़ता है उतना कॉन्फिडेंट जो आता नहीं है, आपको कपड़े उतारने में शर्म आती, दुनिया के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, दुनिया के लिए इतना ड्रामेबाजी रेल रहे हो, अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, आधे से एक घंटे के लिए टाइम निकालो, खान पान सही करो और थोड़ा छोटी मोटी चीजें उसे फॉलो कर लो, हमेशा फिट रहोगे, तुम्हारा चेस्ट फैट क्यों बढ़ेगा, तुम बवाल मचाते रहोगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय हिंद।